हुए हैं मॉल जाने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ मॉल, मेट्रो मॉल। क्रॉस रिवर मॉल है। इधर मैरिज है किसी की। उनके कार लग गई है पार्किंग। हम लोग सैंडविच ब्रेड लेकर आए हैं। सो सैंडविच ब्रेड लेकर आए हैं और उसके लिए ये सब्जियां कट रही हैं, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, धनिया और ये आप देख सकते हैं टोमेटो, कैबेज, पत्ता गोभी, खीरा, कैप्सिकम और कैरेट। सैंडविच ब्रेड में बटर, इमली की चटनी और ये है मेरे पास चाट मसाला। साथ में हम ये भी सॉस यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारा दिखा देना एक बार इधर से। ये ब्रेड बहुत ही अच्छे लग रहे। जब हम ले रहे थे तो आसपास वाले सभी पूछने लग गए ये ब्रेड कहाँ से मिली, ऐसे भी ब्रेड आती है। मॉल से ले रहे थे जब। मक्खन ले लिया हमने, पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चीज के मुकाबले बटर डायरेक्टली खाना ज्यादा हेल्दी है। तो पहले हम बटर से इसको गर्म कर लें। क्या बात है, दोनों साइड कर। खुशबू तो मुझे अभी से आई जा रही है। अच्छा, चाट मसाला भी खुला हुआ है मेरे पास। ये फ्रेंड्स, ये बटर लगा के काफी क्रिस्पी हो गई है। इसी तरह से आज दूसरी लगा के दूसरी को भी करेंगे। सो ये भी क्रिस्पी बन रही है। तो हम इसको स्टार्ट करें फिर बनाना, जब तक वो गर्म हो रही है। चाहे आप पूरा स्लाइस काट लें चाहे इस तरह से इसको पूरे पर डाल। हाँ, मैं क्योंकि ज़्यादा बटर नहीं खाती, ऑलरेडी हो चुका है, सो इसलिए मेरे लिए कम कम लगाया जा रहा है। आप अच्छा लगाते हैं तो आप भी लगा सकते हैं फुल्ली स्लाइस, फिर चीज़ वाला टेस्ट आ जाएगा। चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा क्रिस्पी हो चुके। आप इस तरह करिए, पहले आपको चाहिए चाट मसाला, हल्का ही डालें। ये इमली की चटनी हैंडमेड बनी हुई है, ये भी हमने मटर मोल से ली है। इमली की हैंडमेड चटनी, हैंडमेड लिखा है। मैंने खा के देखी, बहुत ही टेस्टी है ये भी। मेनली हम सांभर में भी यही डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। आ रहे बेटे, आ रहे हैं पार्टी पर बने सर। हमने टमाटो सॉस भी डाल लिया, आपको ज्यादा डालने तो ज्यादा डालें, ऐसे हिलाना तो वो भी देख लें। अब हम डाल देंगे कैरेट, जो वेजिटेबल आपको पसंद है ना वही डालें, जो हम रॉ खा सकते हैं, कच्ची खा सकते हैं। ये मैंने ग्रीन चिली रखी है काट के। कैप्सिकम है, छोटी छोटी काट के रखी है मैंने, मैंने काट के रखी है जी। अब डाल दे खीरा, वो भी आप जितना पसंद करते हो उतना ही डालें जी। ज़्यादा खा सकते हो ज़्यादा खा डाल लो, ठीक है।
तो इस तरह से हम स्लाइस लगा लेते हैं। अब डाल लेते हैं पत्ता गोभी। आप इसके बीच बीच में भी अगर चाट मसाले के लेयर लगाना चाहते हो, हाँ लगा सकते, जितना आप तीखा खाते हो वो डाल लें। वाओ चटपटा पत्ता गोभी डाल दी, चाट मसाला याद करवा दिए वो भी मैंने डाल दिया। चाट मसाले में ना नमक ऑलरेडी है और जो सॉस डाल रहे हैं उसमें भी नमक ऑलरेडी है, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग डाल लिए। तो टमाटो भी लगा लिए मैंने, अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, अब थोड़ा सा हम ये धनिया कोरिएंडर है मेरे पास बिल्कुल फ्रेश लीफ है, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैं खाती हूँ तो अच्छा लगता है। ये डाल लेते हैं, तो ऊपर से फिर से हम थोड़ी सी सॉस स्प्रिंकल करेंगे। कई लोग अलग से लेते हैं, अलग से इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ले भी सकते हैं। इसके अंदर ही हमने डाल दिए, अब ये हमारा स्लाइस इसमें लगा लेंगे। एक बटर और रख ले बीच में, गैस मैंने पहले बंद कर दी, फिर से इसके ऊपर रख दिया, कच कच की आवाज आ रही है। देखो अब मैं ये खाऊंगी, इसको एक बार से और गर्म कर देते हैं। अब गर्मा गर्म स्लाइस मेरा आ रहा है और मैं सबसे पहले खाने वाली हूँ। काट दो, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। देखो कितनी क्रिस्पी आवाज आ रही है, वेरी टेस्टी, मज़ा ही आ गया। हाथ तक के काटेंगे भी तो वेजिटेबल ही बाहर आ जाएंगे। दिस इज बेस्ट ब्रेकफास्ट। आप बीच में से भी देख सकते हैं, बच्चे जब खाते हैं ना उनको यम्मी यम्मी टेस्ट आता है। यस, बाहर से पिज्ज़ा लेने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा तैयार है, आप भी इस तरह से खाएं। और ये मेरा बॉर्नविटा वाला दूध भी साथ में रेडी हो गया है और मेरा फुल ब्रेकफास्ट रेडी है। अब फ्रेंड्स फादर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे और ये स्लाइस काट रहे हैं। इधर रख दो स्लाइस, इधर सेंटर में। अच्छा मैं एक ब्रेड हटा लेती हूँ अभी, अब इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, हल्का सा डालने और वेजिटेबल जिसको जैसे पसंद है ना वैसे बनाएं। अब ये अपनी पसंद का बना रहे हैं सैंडविच, और मसाला कैसे डालना ये अपनी पसंद का डाल दें। ये हाथ में पकड़ लो, दिखाई देगा इतना, इधर 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 इधर, हाँ अब आएगा हाथ आते रखना थोड़ा ज़्यादा थोड़ा। तो इस तरह से ये डाल रहे हैं टमाटो, पत्ता गोभी, खीरा, कैप्सिकम, हरी मिर्च, कोरिएंडर, धनिया डाल लो, थोड़ा सा सॉस डालनी है आपको, ये टमाटो सॉस है, ये मेरी सॉस है, कौन सी बोल रहे सॉस पानी जी। हाँ ये टमाटो सॉस है, बटर रखना और ऊपर ये जंबो ब्रेड तैयार है, इसको स्लाइस काट लेते हैं। हम
ये ट्रायंगल स्लाइस काट रहे हैं, मैंने स्क्वायर काटे थे, ये भी बहुत अच्छा डिजाइन है, आप किसी भी तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हाथ रखना पड़ेगा ताकि नीचे से वेजिटेबल ना निकल जाए। सभी पटका पके आना ये सब कुछ पूरा पूरा इसके अंदर आ गया, चारों तरफ से दिख रहा। तो ये ट्रायंगलर अच्छा लग रहा, पहले स्केल काटा था, ये ट्रायंगल काटा, तो आप भी इस तरह से इंजॉय करें। चाय ले गरम गरम, दूध ले गरम गरम, आपको जो अच्छा लगता है वो ले साथ। थैंक यू सर। सभी कुछ दिखाया, इधर टमाटर, इधर बर्गर, इधर पपकिन, रोटी ले लिया, शिमला मिर्च, जिसका स्वाद है ना वो उस तरफ से बाइट कर लो। इधरों टाइट है, इधरों सॉफ्ट है, पूरी ब्रेड सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या है? मक्खन लगा के। हाँ, मक्खन लगा के मजा आ गया। ये इसने खुद बनाया, तो एक एक चीज डिटेल बताएगा। पहले लो ब्रेड, ब्रेड को सेक लिया दोनों साइड से, फिर इस ब्रेड को नीचे रखे आराम से, उसके ऊपर मक्खन लिया, मक्खन लगा दिया। मक्खन लगाने के बाद इसको फिर ऐसे जो चिमटा होता है वो पट्टे वाला, उससे इसको मक्खन लगाने के बाद इसको पिघलने वाला हो, इसको ऐसे ऐसे करके पूरी ब्रेड के ऊपर ऐसे मक्खन लेप लिया, लगा लिया। अब इधर से तो ये है कड़क, ये अब इधर से है ये सॉफ्ट, ये मक्खन सॉफ्ट होगा, ये पूरी सॉफ्ट है। इधर डाली गाजर, डालने के बाद डाली पत्ता गोभी, पत्ता गोभी डाल ली, पत्ता गोभी डालने के बाद उसके ऊपर रखना खीरे जितने अच्छे लगते हैं, उसके बाद रखना टमाटर, फिर डालनी है पत्ता, फिर डालनी है शिमला मिर्च, फिर डालनी है मिर्ची, ये रही मिर्च, उसके बाद फिर डालनी है ऊपर पत्ता गोभी, फिर जो बची गाजर है वो भी डालनी है ऊपर। तो ये बन गई, खा के दिखा टेस्ट बता। और वो क्या बनी चटनी? चटनी भी डालनी है वो जब एक लेयर लग जाए गाजर की, उसके बाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, थैंक यू।